Welcome back to all of his classes and Gurudev Junior College. In the last video, we have seen that fundamental quantities, fundamental unit, derived quantity and derived unit. In this video, we are going to learn about supplementary quantity and supplementary units. तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने देखा था ये सप्लीमेंट्री क्वांटि सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटीज होते क्या है. तो फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट्स आर कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी. और उसके यूनिट भी देखे थे, जो यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए होते उसे हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स. उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज देखी थी. ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स अपॉन फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट्स आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटी. जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड्स होती है उसे हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी. ये सारे बातें जो है हमने पिछले वीडियो में देखी थी. इसके अलावा बच्चों दो और क्वांटिटीज है, उसके नाम है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. और जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के जो यूनिट्स है उसे हम कहेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स. तो देखते हैं बच्चों हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी. देयर आर टू टाइप ऑफ ए सप्लीमेंट्री क्वांटिटी. इन द फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल. जो पहला टाइप है उसका वो है प्लेन एंगल. उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से और उसे हम टू डायमेंशनल भी बोल सकते हैं. तो ये प्लेन एंगल होता क्या है, द एंगल मेड बाय टू लाइंस के बीच में जो एंगल आता है उसी एंगल को हम कहते हैं प्लेन एंगल. अभी मेजर कैसे करते हैं, तो थीटा होता है, उस थीटा से हम इसको मेजर करते हैं. तो अभी हमें इसकी डेफिनेशन देखनी है, ये डिफाइन कैसे करते हैं. तो ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, इसे हम कहेंगे आर्क. यस इज इक्वल टू आर्क लेंथ. और ये जो होता है यहाँ से सेंटर तक, सेंटर से यहाँ तक का, उसे हम कहेंगे रेडियस. इस पार्ट को हम नाम देंगे, जो आर्क है उसे हम पार्ट नाम देंगे रेडियस. अब ये आर्क होता क्या है, ये जो बड़ा सा सर्कल जो होता है उस बड़े से सर्कल का एक छोटा सा पार्ट ही हमारा क्या होता है, आर्क लेंथ होता है. चलो अब हमें इसे मैथमेटिकली हम इसे प्रूव करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं. जो प्लेन एंगल होता है इसे डिफाइन करेंगे. प्लेन एंगल इज इक्वल टू हमारा आर्क लेंथ, यहाँ पे आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या लिखा है रेडियस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम रेडियस. अभी सॉरी प्लेन एंगल जो होता है वो प्लेन एंगल हम थीटा से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ जो है वो है हमारे यस अपॉन रेडियस जो है वो है हमारा आर. ये जो आ गया ये आ गया हमारा प्लेन एंगल का फॉर्मूला. तो बच्चों हमें इसे यूनिट भी देना बहुत जरूरी है. तो इसका जो यूनिट होता है वो यूनिट होता है हमारा रेडियन. और जो सिंबल होता है वो सिंबल होता है हमारा रेड. अभी बच्चों हमें रेडियन जो है उस रेडियन को हमें कन्वर्जन करना है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं टू पाई रेडियन इज इक्वल टू हम इसको 2 पाई रेडियन ऐसे भी लिखते हैं. मतलब ये कितना होता है डीसी, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन. तो ये जो प्लेन एंगल जो होता है वो प्लेन एंगल क्या होता है, द एंगल मेड बाय टू लाइंस के बीच में जो एंगल होता है उस एंगल को हम कहते हैं प्लेन एंगल. ये जो लेंथ है उस लेंथ को जो सेंटर होता है, सेंटर की तरफ जो एंगल होता है उसी एंगल को हम लोग कहते हैं प्लेन एंगल. ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही हार्ड चेंजेस नहीं है. तो दूसरा जो टॉपिक है वो दूसरा टॉपिक है हमारा सॉलिड एंगल. सेकंड वन जो है वो है हमारा सॉलिड एंगल. अरे सॉलिड एंगल जो होता है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से और उससे हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल एंगल. तो देखते हैं हमें सॉलिड एंगल होता क्या है. अगर हमने एक
फुटबॉल जो है उस फुटबॉल को हमने कंसिडर किया। अब फुटबॉल में बहुत सारे कलर होते हैं, बाहर की तरफ से बहुत सारे कलर होते हैं, वो पैच होते हैं, वो जो फुटबॉल होता है वो फुटबॉल के कुछ पैच होते हैं। उससे एक पैच हमने यहाँ पे, एक पैच जो है वो पैच हमने ले लिया। अभी हम फुटबॉल के अंदर गए और फुटबॉल के अंदर जाने के बाद हमने एक पैच जो है उस एक पैच को हमने ऑब्जर्व किया। अब ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ जो सेंटर है उस सेंटर से हमने जो पैच है उस पैच को हमने ऑब्जर्व किया। अब ऑब्जर्व करने के बाद हमें यहाँ पे लेयर दिखाई देगी? बिल्कुल नहीं। तो हमें जो पैच जो है उस पैचेस का हमें पूरा एरिया जो है पूरा एरिया दिखाई देगा। मतलब ये जो पूरा एरिया है पैचेस का, जो पूरा एरिया है वो सेंटर की तरफ एक एंगल बनाएगा, वो सेंटर की तरफ एक एंगल बनाएगा। और जो सेंटर की तरफ एक एंगल बनाता है उसे ही तो हम कहते हैं सॉलिड एंगल। अरे सॉलिड एंगल होता क्या है? चलो हम कुछ फुटबॉल कंसीडर कर ले या कोई स्पेयर कंसीडर कर ले। मैंने यहाँ पे एक कोन जो है वो कोन मैंने यहाँ पे कंसीडर किया, और ये जो कंसीडर करने के बाद ये यहाँ पे एक सेंटर है। अभी जो कोन है, जो कोन का पूरा एरिया है, इसे हम कहते हैं पूरा जो कोन का एरिया है, एक एरिया वर्टेक्स की तरफ सेंटर की तरफ एक सेंटर बनाएगा, एक एंगल बनाएगा, सॉरी एक एंगल बनाएगा। और वो जो एंगल बनाएगा उससे ही तो हम कहते हैं सॉलिड एंगल। यहाँ से यहाँ तक जो उसकी रेडियस होती है, और ये जो क्या होता है पूरा एरिया होता है, मतलब सॉलिड एंगल में पूरा एरिया होता है जो सेंटर की तरफ लगता है, और प्लेन एंगल में सिर्फ एक लेंथ होती है। तो अभी हमें यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला निकालना है, इसके इसको डिफाइन करना है। तो हम सॉलिड एंगल को डिफाइन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लिख सकते हैं सॉलिड एंगल इज इक्वल टू, हमने पिछली बार लिखा था लेंथ, यहाँ पे है एरिया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया डिवाइडेड बाय, और ये जो है रेडियस है यहाँ पे लिखेंगे रेडियस। अब बच्चों लेंथ का फॉर्मूला, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, वैसे एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं रेडियस स्क्वायर। जो सॉलिड एंगल होता है वो ओमेगा होता है, और एरिया ए रेडियस स्क्वायर, यही है हमारा सॉलिड एंगल का फॉर्मूला। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट जो होगा यूनिट रेडियन, और इसका जो सिंबल होगा वो सिंबल होगा हमारा एस आर। मतलब ये जो सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल है हमारा ओमेगा, और प्लेन एंगल होगा हमारा थीटा।